दरभंगा के कैदराबाद गोलीकांड में हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस ने इस कांड में सम्मिलित तीन अपराधी को किया गिरफ्तार। वहीं सर्वर के घर में छिपे अपराधियों का था जमीन पर कब्जा करने का मकसद। जी हां, दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद स्थित दुर्गा मंदिर के पास बीते 15 अक्टूबर को दिन के करीब 1 बजे गोलीबारी की घटना घटित हुई थी, जिसमें 3 लोग छोटू यादव, नवल किशोर ठाकुर एवं तरुण कुमार पासवान उर्फ मुकेश कुमार भारती घायल हो गए थे, जिसके बाद से ही घायल तरुण कुमार पासवान उर्फ मुकेश कुमार भारती के फर्जी बयान के आधार पर मोहम्मद सरवर ओला सहित 5 लोगों के विरुद्ध कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इधर उक्त बातें की जानकारी देते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा है कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद में जो गोलीबारी की घटना घटित हुई है, उसमें नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम को गठन किया गया था। इस टीम ने अभी तक कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने घटना में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इधर घटना को अंजाम देने में उपयोग में लाया गया मोटरसाइकिल एवं मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। इस मामले में अन्य अपराधी के नाम आए हैं, जिसकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी चल रही है। वह अवकाश कुमार ने कहा है कि इस घटना में मुख्य कारण जमीन विवाद है, जहां एक ही प्लॉट है जिसको दोनों साइड के लोग लेना चाह रहे थे, जिसके कारण यह विवाद हुआ है। वही उन्होंने कहा है कि तरुण पासवान पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, सभी लोग उसी दिन स्टेबल थे, अभी भी सभी खतरे से बाहर है। उन्होंने बताया कि परोक्ष रूप से अगर किसी का नाम आता है तो किसी और के भी संलिप्तता पाई जाती है तो उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि गिरफ्तारी अभियुक्त एवं अन्य फरार अभियुक्तों का अपराध के इतिहास का पता किया जा रहा है। व्यक्ति घायल थे गोली से, एक व्यक्ति को मारपीट कर जख्मी किया गया था। उसमें कल एक गिरफ्तारी हुई थी व्यक्ति की, जो उसके घर से हम लोग गिरफ्तार किए थे, उसको कल जेल भेजा गया था और उससे पूछताछ में कुछ तथ्य सामने आए थे। साथ में जो जख्मी तरुण पासवान थे, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उसमें कुछ बातें सामने आई थी, कुछ लोगों के नाम सामने आए थे। इस घटना में गिरफ्तारी के लिए और जो घटना का कारण है उसको पता करने के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ सदर थे, यूनिवर्सिटी थाना के थानाध्यक्ष थे, बेता ओपी प्रभारी, कोतवाली ओपी प्रभारी और टेक्निकल टीम के लोग शामिल थे। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए मैनुअल इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और सभी सोर्सों से जानकारी इकट्ठा करते हुए घटना का वेतन भी कर लिया, कारणों का भी पता लगाया और इसमें 2 और व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक जो अरेस्टिंग्स हैं, एक कल जेल गए थे और 2 व्यक्ति आज और पकड़ाए हैं। रियाज जो कोतवाली ओपी के रहने वाला है और रवि यूनिवर्सिटी थाना का रहने वाला है, इन दोनों की गिरफ्तारी आज हुई है। इन लोग, एक व्यक्ति और है जिसकी मारपीट कर, जिसको घायल कर दिया गया था वहाँ भीड़ के द्वारा, सर्वर, वो जब बोलने की स्थिति में, बयान देने की स्थिति में आएंगे तो उनसे भी बयान लिया जाएगा, घटना के बारे में और भी डिटेल जानकारी ली जाएगी। पूछताछ और छापेमारी में इन लोगों के पास से घटनास्थल से कुछ मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं जो घटना में यूज़ की गई थी, मोबाइल इन लोगों के पास से बरामद हुआ है, CCTV फुटेजेस और CDR लोकेशन, टेक्निकल जितनी भी हो सकती है पहलू सब पे जांच करके हम लोगों ने पुष्टि कर ली इस घटना की, जो लोग शामिल थे उसमें ये गिरफ्तारियां हुई है। अभी 3 से 4 लोग और अपराधी शेष हैं जिनके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। घटना का मूल कारण जो सामने आया है वो जमीनी विवाद ही है, सर्वर जो घायल है जिसको भीड़ ने मारपीट किया था उसका, और छोटू का जो जिसको मारपीट करके घायल किया गया, उन लोगों के बीच जमीन का विवाद था जिसको लेकर ये घटना घटित हुई। जो लोग भी इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश उस दिन भी कर रहे थे और उस दिन के बाद आज तक कर ही रहे हैं कुछ लोग, तो उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उस दिन भी स्पष्ट कर दिया गया था कि ये 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, इसमें किसी संप्रदाय का मामला नहीं है। क्योंकि इस घटना में दोनों साइड से, एक साइड से तो ये लोग हैं जिन्होंने केस किया है, लेकिन दूसरे साइड से जो अपराधी हैं गोली चलाने वाले, उसमें दोनों संप्रदाय के अपराधी हैं। अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, ये बात समझनी होगी यहाँ के लोगों को, खास करके लोगों के अफवाह में ना आए, बहकावे में ना आए, त्यौहार का माहौल है, अच्छे से हम लोग त्यौहार मनाएं, और कोई भी व्यक्ति अगर इस घटना को लेकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करें। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है क्या? एक रियाज का अभी तक आपराधिक इतिहास पता चला है हम लोग को, 3 केसेस हैं और बाकी लोगों का हम लोग पता करें। सर, CCTV में 15 से 20 की तादाद में अपराधी दिख रहे हैं, अब तक 2-3 की गिरफ्तारी हुई है,
आर्म्स की बरामदगी नहीं हुई है सर, क्या करना चाहिए? अभी हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक किए हैं, तीन व्यक्ति जेल गए हैं इसमें और एक घायल है, वो भी जब ठीक हो जाएगा तो वो भी जेल जाएगा, उसको भी हम फॉरवर्ड करेंगे। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, चार और व्यक्ति जो इसमें एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट किए हैं पूरी घटना में, उन लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इसमें जैसा 15 लोग बता रहे हैं, हो सकता है और लोग भी साथ में आए हों जो पहले चले गए हों, घटना के टाइम नहीं रहे हों, जो मेन घटना के टाइम पे जो लोग थे यही 8-9 लोग थे, उनके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी गोलीकांड में हुई अभी तक सर? अभी तीन लोग अरेस्ट हुए हैं, एक व्यक्ति और इलाजरत है, वो जब पोस्ट में आ जाएगा उसका भी बयान लिया जाएगा, क्योंकि मारपीट हुई है उसके साथ भी, तो अगर वो केस दर्ज कराना चाहता है तो उसका भी प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा और बाकी लोगों की अरेस्टिंग होगी। कितनी राउंड गोली चली है, किसने चलाया? राउंड गोली अभी कोई स्थापित नहीं हो पाया, बट हम लोग को लग रहा है 4-5 राउंड गोली चली है। और पहला अभी जो अभी तक जो पता चला है, विक्की है जिसने पहली गोली चलाई थी, जो भीड़ इधर से जब आने लगी तो उसमें फायरिंग किया है उसने, जिसमें रागीर को भी गोली लगी और छोटू के बगल से गोली निकल गई। ये लोग जमीन माफिया हैं कि आपसी विवाद जमीन का था? ये आपस में जमीन का लेन देन का मसला था, एक ही मतलब एक ही जमीन को दोनों लोग खरीदना चाह रहे थे, खरीद के बेचना चाह रहे थे, उसको लेकर। सर आर्म्स की बरामदगी होगी कि नहीं सर? क्या आर्म्स की बरामदगी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग उसी को बरामद करेंगे। FIR भी किसी और से अभी तक इस घटना में हुई है? नहीं, अभी एक ही FIR हुआ है।